हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में। जैसा कि गाइस आप लोग ने थंबनेल लेके पता कर ही लिया होगा कि ये मेरा कौन सा वीडियो होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को अपना होम टूर करवाऊँगी, अपना घर दिखाऊँगी कि कैसा है मेरा घर। छोटा सा है और आप लोग को आज होम टूर कराने वाली हूँ मैं। और हाँ, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे जुकाम हुआ है, आप लोग को तो पता ही है। तो गाइस आप लोग बने रहिए, अभी हूँ मैं बाहर खड़ी, आप लोग देख सकते हैं। टूर, इस गरीब का भी होम टूर कर लीजिए। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा घर, देख सकते हैं ये बाहर का सीन है। तो गाइस आइए अब चलते हैं अंदर। और मैं अभी थी बाहर, तो यहाँ से आप लोग को बैक कैमरा करके मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले गाइस आप लोग हमारे घर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटा सा हॉल है, और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। ये हमारा छोटा सा टीवी है, और यहाँ पे दो तख्त लगे हुए हैं। ज़्यादा तो जगह नहीं है, थोड़ी जगह है, लेकिन उसी में हम लोग ने एडजस्ट किया हुआ है। ये सारा सब कुछ सामान है, छोटी छोटी सामान आप लोग को देखने को मिलेंगी गाइस। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा गाइस। और फिर ये देखिए, यहाँ से मेरा घर जो अंदर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। और ये देखिए, हमने छोटी छोटी चीज़ों से अपना ये जो बरामदा बोलते हैं इसको हमने सजाया है। और गाइस मुझे पता है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या दिखा रही है। आप लोगों ने अच्छे अच्छे वीडियो देखे होंगे, लोगों के अच्छे अच्छे चीज़ रहे होंगे, अच्छे घर रहे होंगे। तो गाइस मेरे पास जो है हम आप लोग को वो दिखा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे तख्त है जो बैठने बैठने के, हमारे सब्सक्राइबर जितने लोग भी आए होंगे इस जगह को पहचान रहे होंगे। तो गाइस आइए चलते हैं आप अंदर। और यहाँ पर छोटा सा हमने देखे मिरर लगाया हुआ है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिख रही हूँ। अंदर देखिए गाइस, यहाँ पे बर्तन वर्तन धोने के लिए यहाँ पे बनाया गया थोड़ा सा प्लास्टर। वैसे तो मेरा घर प्लास्टर नहीं है गाइस, मैं आप लोग को बता दूँ, बट यहाँ पे थोड़ा बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बाहर जाना पड़ता है तो नल थोड़ा पीछे है तो उसके लिए समस्या होती है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने बनवाया है। और अभी देखिए बारिश का मौसम है तो यहाँ से पानी गिरता है, जो आंगन खुला है तो पन्नी लाके यहाँ पे लगाई है, पूरा यहाँ पे ढकी है ईंट ऊंट से। तो पानी अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन उधर जब बारिश हो रही तो पानी बहुत ज़्यादा आता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। और गाइस यहीं से जो ये आंगन है पतला सा, पहले तो बड़ा था, लेकिन जब चाची और मम्मी में बंटवारा हुआ तो यहाँ पर देखिए ये बहुत छोटा सा बन गया, लेकिन पहले बहुत अच्छा लगता था, पूरा घर था तो। और यहाँ से हमारी जो छत की सीढ़ी है गाइस, यहाँ से छत की सीढ़ी स्टार्ट होती है। ये देखिए गाइस, यहाँ से छत की सीढ़ी स्टार्ट होती है। और अभी हमारा घर पक्का, मतलब ऐसा नहीं बना है, प्लास्टर व्लास्टर नहीं है, जैसा बना था बाबा बनवाए थे वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ से सीढ़ी गई है छत की, अभी मैं आप लोग को छत पे भी ले चलूँगी और छत का भी पूरा दिखाऊँगी। तो यहाँ से छत पे जाने का रास्ता है जो सीढ़ी है, और इधर अंदर गया है घर है, दो रूम नहीं, तीन रूम है, किचन को लेके तीन रूम है, ठीक है। और अब चलते हैं आगे गाइस, और आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ से देखिए एक और रूम है, और हम लोग ने इसे छोटा सा अपना किचन बनाया है, जो हमारा छोटा सा किचन है। यहाँ पे देखिए हमारा गैस चूल्हा रखा है, अभी तो किचन अच्छी तरीके से बना नहीं है, तो यहाँ पे नीचे ही चूल्हा रख के खाना बनता है। और यहाँ पे छोटी सी खिड़की है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बर्तन वगैरह है, और आप लोग को थोड़ा अंधेरा भी दिख रहा होगा गाइस, क्योंकि लाइट नहीं है। और इधर जो भी किचन का सामान है वो रखा हुआ है, और यहाँ पर बर्तन है, और ये हमारा छोटा सा खिड़की, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। और हम यहाँ से आप लोग को देखिए पीछे का बैकग्राउंड, पीछे का व्यू कितना अच्छा लगता है। और ये पेड़ है देखिए हमने लगाए, इसमें फूल भी खिलते हैं, अच्छा लगता है। और गाइस सब आगे चलते हैं यहाँ से।
और ये एक सामने वाला रूम है। इसमें सारा कुछ सामान हम आप लोग को दिखा रहे हैं। हमारी एक गाय है तो उसके लिए जो भी चारा होता है वो रखा हुआ है। ये देखिए, आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे कि क्या दिखा रही हैं, लेकिन गाइस जो है वो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो हमारी एक गाय है, उसके लिए यहाँ पे जो भूसा है वो रखा हुआ है। इसमें अनाज भी हैं और इसमें भी एक खिड़की है और इसके पीछे भी बहुत अच्छा आप लोग को दिखने को मिलेगा व्यू। देखिए, ये देखिए कितना सुंदर, हवा भी लग रहा है ना। इसके पीछे हमारा खेत है गाइस। इस रूम को खाली हम कराने वाले हैं क्योंकि थोड़ा जगह नहीं हो पाता है, तो फिर ये हम पीछे रखवाएंगे भूसे को, फिर यहाँ पे जगह हो जाएगा। तो गाइस ये सामने वाला रूम था जो हम आप लोग को दिखा दिए कि इसमें क्या रखा हुआ है, और इसके जस्ट बगल में ये दूसरा रूम है जो इसमें सारा कुछ हम लोगों का सामान रखा हुआ है, मम्मी रखी हैं। इसमें भी फर्स्ट में आप एंटर करेंगे रूम में तो आप लोग को यहाँ पे दिखेगी खिड़की। ये देखिए, इसमें मैं आप लोग को दिख रही होंगी। तो गाइस यहाँ पे भी है खिड़की और यहाँ से भी पीछे का देखिए व्यू आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक चारपाई डली है गाइस। सॉरी, थोड़ा अंधेरा है इस वजह से साफ नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक चारपाई है और उधर कुछ कपड़े हैं गाइस। हमारे घर में अलमारी नहीं है तो हमारी मम्मी वो जुगाड़ बना के वहाँ पे रस्सी बांधी हैं और वहाँ पे सारे कपड़े जितने भी हैं हमारे और मम्मी के सब कुछ रखा गया है। तो गाइस यहाँ पे रखा हुआ है हमारा, देखिए जो भी हमारा मेकअप का सारा सामान रहता है। चार्जिंग है, ये हमारा सेल्फी स्टैंड है, इससे मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और इसके ऊपर आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा छोटा सा मंदिर है जो हमने सारी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी भगवान जी की। तो गाइस देख लीजिए, ये हमारा छोटा सा मंदिर है। और गाइस इसके ऊपर भी हमारी ये सारी बुके हैं और इसमें भी सारा हमारा सामान ही है। चूड़ी है और उस पर भी मेकअप का ही सारा सब कुछ सामान रखा हुआ है। तो गाइस ये रहा हमारा छोटा सा घर और छोटे से घर का होम टूर। ये देखिए, और यहाँ पे हम आप लोग को नहीं दिखा, यहाँ पर भी एक मिरर लगा हुआ है जो यहाँ पे मैं तैयार होती हूँ गाइस वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ ऊपर छत पे। ये तो रहा हमारा छोटा सा घर जो हम आप लोग को दिखा दिए हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा ये हमारा छोटा सा घर। और अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर छत पे, तो हम छत का आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे। पे देखिए गाइस, ये दूध रखने वाला नाद क्या बोलते हैं वो है। मम्मी यहाँ पर दूध रखती हैं गाय का, अभी छत पे रखा था। बारिश हो रही है तो ये भीग जाएगा क्योंकि ये मिट्टी का ही बना रहता है। तो यहाँ से हम चलते हैं छत पे और अपने छत का सारा लोकेशन और व्यू दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, ये मम्मी कल लाई है पन्नी यहाँ पे डालने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी जाता था तो घर बहुत ख़राब हो जाता था। तो गाइस ये देखिए हमारे छत का व्यू, और इधर हम आते हैं बरामदे वाली छत पे। तो हम यहाँ पे देखे गाइस लगाए हैं कुछ प्लांट्स और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ फूल, और पिंक पिंक है और भी बारिश हो गई है तो सारे फूल देखे खिल गए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें भी हम देखे एलोवेरा प्लांट लगा दिए हैं और इस बाल्टी में भी यही वाला फूल है। और यहाँ पे कैक्टस का पेड़ है और फिर यहाँ पे आप लोग को देखिए एलोवेरा देखने को मिलेंगे। अभी उधर भी तो एलोवेरा सूख गया था लेकिन बारिश पड़ने की वजह से सब एकदम हरे हरे हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ फूल है और हम इधर भी लगाए हैं, देखिए गाइस इसमें भी हम फूल ही लगाए हैं। ये हमने यूट्यूब से देखा था ट्रिक, तो हमें पसंद आई तो हम इसको बॉटल को देखिए काट के और इसमें देखिए यहाँ पे छेद करके, तो कितना सुंदर लग रहा है। ये ज़्यादा ग्रो किया है और ये बेचारा नीचे गिर गया था तो इसके तने जो थे वो टूट गए हैं, इसलिए ग्रो नहीं किया, लेकिन कर रहा है ये भी।
तो इधर का हमने दिखा दिया गाइस, और आप लोग तो हमारे सारे वीडियो में ब्लॉग्स में हमारे छत का लोकेशन देखते हैं, क्योंकि छत पे ही थोड़ा हम लोग को खुला रहता है, खुला खुला, तो इसीलिए यहीं पे वीडियो वीडियो बनाते हैं। और आप लोग को चारों तरफ पेड़ दिखेंगे हमारे घर के पीछे आगे, ये देखिए इधर भी नीम का पेड़ है और इधर भी नीम का पेड़ है, फिर यहाँ से आप लोग को हमारा जो सिवान वो दिखेगा। और ये रोड गई है मेन रोड पे, देखिए यहाँ पे एक गाड़ी भी जा रही है। तो गाइस ये रहा हमारा छोटा सा घर, और छोटे से घर का मैंने होम टूर करवा दिया। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं भी अपने घर का होम टूर करूँ, मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटा सा है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत अच्छा है। तो मैं यही सोच के मैं भी आज सोची कि अपना होम टूर करवाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ अपना घर, आप लोग को पसंद आएगा, मुझे पता है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइस कैसा लगा ये हमारा होम टूर वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।